नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डेली करंट अफेयर्स क्विज 17 अगस्त 2022। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का डेली करंट अफेयर्स क्विज। तो हमारे क्विज का पहला प्रश्न ये रहा, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में अचिंता श्योली ने निम्नलिखित में से किस खेल में स्वर्ण पदक जीता। इस प्रश्न का सही उत्तर है, अचिंता श्योली ने पुरुषों के 73 किलोग्राम फाइनल में स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारोत्तोलन में भारत के उल्लेखनीय प्रदर्शन को जोड़ा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न दो की तरफ, भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है, 3 तलाक के खिलाफ कानून लागू होने का जश्न मनाने के लिए 1 अगस्त को देश भर में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ, स्कूली शिक्षा में बड़े पैमाने पर परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीति आयोग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने स्कूली शिक्षा में बड़े पैमाने पर परिवर्तन के लिए नीति आयोग और एक संगठन के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय सक्षम आंगनवाड़ी योजना लागू करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने देश की महिलाओं और बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 जैसी योजनाओं को लागू किया है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 5 की तरफ, निम्नलिखित में से किस राज्य ने चिराग योजना शुरू की। इस प्रश्न का सही उत्तर है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता और अनुदान चिराग योजना शुरू की। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ, निम्नलिखित में से किस राज्य ने एक IT और ITES प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने के लिए लार्सन एंड टूब्रो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है, लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड ने 7,000 करोड़ रुपए के निवेश से वडोदरा में एक IT और IT सक्षम सेवा ITES पार्क स्थापित करने के लिए गुजरात सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 7 की तरफ, निम्नलिखित में से किसे NSE के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है, आशीष कुमार चौहान को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 8 की तरफ, वर्चुअल स्पेस टेक पार्क स्पार्क निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है, स्पार्क इसरो का पहला 3D वर्चुअल स्पेस टेक पार्क है। इसमें एक संग्रहालय, एक थिएटर, एक वेधशाला और कई अन्य शामिल हैं। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजह 4 आयोजित किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है, भारत ओमान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास अल नजह 4 का चौथा संस्करण आतंकवादी विरोधी पर ध्यान केंद्रित करते हुए राजस्थान के बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था। आइए बढ़ते हैं अपने 10वें व अंतिम प्रश्न की तरफ, भारत में डिजिटल उधार गतिविधियों को निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI भारत में डिजिटल उधार गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इस प्रश्न के साथ ही हमारा आज का डेली करंट अफेयर्स क्विज 17 अगस्त 2022 यही समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए, मैं हूँ आपकी RJ प्रियंका, धन्यवाद।